तो गुरु महाराज का खंड पाठ हुआ है जी? खंड पाठ साहब हर साल हम रखाते हैं। प्रगट सिंह दे जी पिताजी, मैं प्रगट सिंह क्या पुत्र है कि तू तेना तरना सिखा दे, अपने नाल रखना है। इसी के लिए हां, दो मेरे भतीजे ने, तीन ने। अच्छा, आपको भी? आपको भी सब तिरना सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, बच्चों को सिखाना चाहिए। लाइव तस्वीरें और प्रगट सिंह का एक छोटा सा परिवार और ये बेटियां आपको नजर आ रही होंगी। सबसे छोटी बेटी नान के गई है और माता जी से बात करेंगे कि कैसा महसूस करते हैं जब लोगों की वो सेवाएं करते हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। खुशी होती है, साडा बच्चा सोहने काम करता, चंगे करता है, ते अपना काम भावे बेच रह जाए तो किसी का सवारता है। सानू बड़ा चा, साडे पुत्र का नाम है रोशन दुनिया से, सानू नहीं कोई पुछता। साडे बच्चे महाराज चढ़दी कला की, होर भी महाराज चढ़दी कला करे। माता, कई बार तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता होगा, घर में छोटे बच्चे बेटियां आए, इनकी भी संभाल करनी है, इनकी पढ़ाई की संभाल करनी है। हाँ जी, बड़ा गुस्सा आता, कहता है काम छड़ दे घर अपना काम छड़ के ना, ते दूजिया ने सवार देने। हुण सवेर दा गया है घर, साडे घर जी आउंदे ने, किसी ने चाह किसी ने पानी पूछना है, पर ये लोगों के काम सवारदा है, अपने नहीं सवारदा, घर का फिक्र नहीं करता। घर च बड़ा लड़ने हैं भरा जी, बड़ा कलेष हुंदा साडा, असीं बड़ा लड़ने हैं। परमात्मा दी कृपा, कहिंदे वखरा हो जा तू, भी तू लहदी हो जा, वाड़े च टुर जा वेली जी डंगरां कोल अपने कोल। हुण भी इहदा डैडी कहिण डिया सी भी अखंड पाठ दा भोग पै जाएगा, इहनूं कहिणा भी वेली च टुर जा तू। सतांदा भी घर आउंदा ही नहीं, घर सौ काम हुंदे ने, हुण दूजे ते बच्चे अपने कम्मां वाले ने, हुण सानूं ते इहदा ही आसरा है। तो जब कोई बाहर से आता होगा वो ये कहता होगा, जब आपको सब पता ही है, बाहर से आकर के कुछ जब बात करता है भी, प्रगट सिंह ने ऐसा किया, प्रगट सिंह ने वैसा किया, नहीं फोन च वेख के सानू बड़ी खुशी हुंदी है। अच्छा, भी साडा दुनिया ते चढ़दी कला है, होर भी दुनिया वसदी है, सानू नहीं कोई पुछदा, साडे बच्चे दी चढ़दी कला है, असीं बड़े खुश हुंदे आ। सानू इन्ने 10 साल दी जिंदगी बच जांदी जदों इहदी शोभा सुणीदी है भी साडा बच्चा चंगा है, पर कला हुण घर माल डंगर भी वेखना, धीआं ने कौन फिर सामदा इहनां दे। माता, चार बेटियां हैं, क्या कभी महसूस होता है कि बेटा होना चाहिए जैसे लोग सोचते हैं? बड़ी रीझ है। अच्छा, मेरी माता भी तुर गई सी अपने पोतरियां नूं दसदी। अच्छा, मां प्यो मेरा तुर गए सन। हां, मगरों रब ने चार दित्ते, दो वड्डे नूं दो छोटे नूं। अच्छा, पर मेरे मां प्यो नहीं वेख्या। मैनूं रीझ आउंदी है। अच्छा, भी महाराज झोली करनी है, रब्बा मेरे बच्चे इक पुत्तर दे दे महाराज। बड़ी रीझ है भी तरसदे ना तुर जाइए कि बड़ा चौंक है भी महाराज इक जी दे दे मेरे बच्चे नूं। चलो, अंधविश्वास तो नहीं करते, कभी किसी बाबे को जाना है भी आना, लेकिन बेटियां भी बेटियों के समान तो हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ये बच्चों तो भी पुत्रों तो भी चंगी लगदी ने। अच्छा, असी अपने कोल समाने दोनों जी, इहदा दादा भी ते मैं भी, एक दिन नहीं असी पासे होण दिंदे, सानू सब तो प्यारियां लगदियां ने। तो क्या कहना चाहेंगे सभी को प्रगट सिंह के बारे में? असी कहने शुक्र है महाराज दा, चढ़दी कला है, होर भी महाराज चढ़दी कला करे, दुनिया ते नाम रोशन है, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਘਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੋ ਲਾਈਵ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾ ਲਿਖਾਈ ਕਾ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। निशुल्क सेवा करते हैं और ये छोटी छोटी बेटियां, परियों की जैसी बेटियां, छोटा सा ये परिवार, मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये बेटियां हमारा तन मन और धन, हमारा गौरव है, इनके बारे में ये सोचें कि ये बेटियां बेटों के समान हैं, इनकी कभी अवहेलना ना करें और सदा इनकी पूजा करें, और अपने घर में यदि बेटियां हैं तो समझिए लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। बहन जी से भी बात करेंगे, कैसा महसूस करती हैं जब वो जाते हैं काम पर, तो जैसे माता को गुस्सा आता है, क्या आपको भी गुस्सा आता है कभी? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नहीं कोई गल नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, कोई गल नहीं, सेवा कर दे, कोई गल नहीं,
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਰਨਾ ਸਿੱਖਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਬੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਰਨਾ ਸਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਭੀ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੀ ਕਾ ਯੇ ਮਾਨਨਾ ਕਿ ਯੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੋਂ ਕੇ ਸਮਾਨ ਔਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਰੀਓਂ ਕੇ ਜੈਸੀ ਬੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਵੀ? ਆਪਕੋ ਵੀ। देखिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि बेटियाँ बेटों के समान है, बेटियाँ हमारा गौरव है। और क्या मैसेज आप सभी को देना चाहेंगी कि आप प्रगट सिंह की तरह और लोगों को भी तैयार होना चाहिए जो उनकी टीम है? हाँ जी हाँ जी, सब तिरना सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, बच्चों को सिखाना चाहिए। लोगों के जीवन के लिए अपने आप को निशुल्क सेवाएं करते हैं प्रकट सिंह, और लगातार लाइव तस्वीरें बने रहे। प्रकट सिंह से बात करेंगे कि क्या परिवार, जो छोटा सा परिवार, तो क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं जब सुबह निकलते हैं? बात होती है कि कब आएंगे, दो घंटे में आएंगे, आज जैसे 7 घंटे होंगे, ऐसा मतलब किस प्रकार से चलता है, मैनेजिंग कैसे होती है परिवार में? ये सर जब भी जितना भी टाइम मिलता मैं घर का काम करता हूँ, और जब भी टाइम मेरे पास नहीं होता तो मैं अपना काम जो समाज सेवा का है, जब नहरों पे, क्योंकि नहरों का काम ऐसा सर, आज हमारे पास एक बॉडी का मैसेज था किरमज से, तो जैसे वहाँ पहुँचे उस बॉडी को निकालना तो 2-2.5 घंटे लगे, उसको निकालते ही 2 घंटे बाद एक और फ़ोन आ गया करनाल से कि वहाँ भी कीकर के नीचे एक लाश पड़ी जिसे कुत्ते खा रहे हैं, तो उसको निकाला। तो जितना समय मिलता है परिवार को भी दे पाते हैं और अपनी सेवा में भी दे पाते हैं। प्रकट सिंह इस समय में निशुल्क सेवा करते हैं, 4 बेटियां हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, घर का खर्च, तो किस प्रकार से मैनेजिंग करते हैं प्रकट सिंह? ये सर डंगरों का काम है अपना, पशुओं का डेयरी बनाई हुई है, 10-12 डंगर हैं, तो अपना उसी से अपना परिवार चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपना भी खर्चा, फैमिली का भी। और एक उन्हीं काम से मैं थोड़ा समय किसी परिवारों को दे पाता हूँ, गरीब परिवारों की मदद कर पाता हूँ, तो वो भी एक सेवा इसी लाइनअप से जुड़ी हुई है कि वो नहर पे पशु चराते हैं, वहीं अपनी सेवा करते रहते हैं। तो ये भगवान का दिया एक गुण है जिसको हम जब तक निभाएंगे बिल्कुल फ्री निभाएंगे। कुछ ही देर पहले आपने बताया कि जैसे अब गर्मी आ जाएंगी, लोग पानी के पास पहुँचेंगे, बड़े फोन आते हैं, तो प्रकट सिंह समय कैसे निकाल पाते हैं? दूध चूना है, दूध दे करके आना है, पशुओं का चारा करना है, और घर का मेन सदस्य प्रकट सिंह सारा दिन बाहर रहता है, भाई विदेश में है, तो बस सर यही है कि वाकई में 2-2 दिन भी निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप गाला भी देते हैं जैसे आपने बताया, माता ने गुस्सा भी आता है लेकिन प्राउड भी करते हैं। तो फिर मैं अपनी वाइफ को भी ज़्यादातर मैसेज दे देता हूँ, वो हवेली में चले जाते हैं और दूध वगैरह निकालते हैं, और यही कहते हैं भी कोई बात नहीं जितना टाइम लग गया, लेकिन परिवार की हेल्प करके आप आना, तो ये सेवा इस तरह चलती रहती है। तो गुरु महाराज का खंड पाठ हुआ है जी? खंड पाठ साहब हर साल हम रखाते हैं खुशी का परिवार के लिए, तो वो भी चला हुआ है, तो गांव का, पूरे गांव का लंगर सेवा भी करते रहते हैं। रिश्तेदारियां आएंगी, सभी वीडियोस देखते हैं, आते ही कहते होंगे प्रकट सिंह, मतलब बातें चलती होंगी हर रोज कि कब कहां से ढूंढा, कैसे ढूंढा, प्रकट सिंह कैसे करता है, कभी पुलिस के साथ है, कभी प्रकट सिंह रात को 2 बजे है, कभी प्रकट सिंह सुबह 8 बजे है। जब शुरुआती दौर में हम इस लाइन में चले थे तो परिवार था या बहनें थी, रिश्तेदार थे, तो सभी को ये लगा कि इसने ये क्या गलियां लाशां कटना शुरू कर दिया, कि तू अपनी ज़िंदगी फाड़ ली, किधर नू चल पिया। लेकिन उसके बाद जब पहचान बनी, फिर स्टैंड बना, स्टैंड और पहचान बनी, मुकाम मिला, और जब वही प्रगट सिंह एक छोटे से थाने से निकलकर एक मुंशी के पास जब हम पहली बार खड़े हुए, वहाँ से लेके आज आप ये फोटो में देख सकते हैं, आईजी साहब हैं, हरियाणा के गवर्नर साहब हैं, तो वहाँ तक जब पहुँचा तो सभी बहन भाई अपने आप में प्राउड करने लगे कि हमारा भाई जो एक छोटे से परिवार से निकला, जो डंगर चगाता छोटी सी सेवा शुरू की, आज गवर्नर तक, मतलब नहर से निकल कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गवर्नरों के दफ्तर तक पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ी सेवा।
प्रकट सिंह को ऊपर जो है सभी को गुमान है और आज ये परिवार यहाँ बैठा है। बताना चाहूँगा कि अपने जब चल बसते हैं तो उनको उनको दाग देने के बाद आते वक्त आदमी हाथ धो लेता है क्योंकि उसके शरीर को भी छूना पसंद नहीं करते, लेकिन ये प्रकट सिंह जो दूसरों के शवों को किस प्रकार से लगातार निकालता है और उनके शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाता है, माता को गुस्सा जरूर आता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई मिलने आता है, रिश्तेदार आते हैं बाहर से, अफसर साहिबान आते हैं, तो एक गर्व भी होता है। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा प्रकट सिंह के साथ। प्रकट सिंह के मामा जी हैं, सबसे पहले नाम बताइएगा जी। बलविंदर सिंह जी। गांव जी? गांव दबखेड़ी जी। हाँ जी। तो कैसा महसूस करते हैं, आप भी वीडियो देखते होंगे तो कैसा काम लगता है? निशुल्क काम है, अपना घर का काम छोड़ के जनता की सेवा करना बहुत बड़ा एक उपकार है, तो क्या कहेंगे? सर बहुत गर्व महसूस होता है जब लोग हाथ जोड़ जोड़ के सेवा करते हैं, कहते हैं चाय पी के जाना प्रगट सिंह, कुछ खा के जाना प्रगट सिंह जी, हाथ जोड़ के बेनती है कुछ हमें थोड़ी बहुत सेवा जरूर दे के जाना। तो यकीन मानिए इतना गर्व महसूस होता है कि हम फूले नहीं समाते, हमें ये लगता है कि हम मिलिट्री के गवर्नर बन गए। हम मैं कार लेकर के इनके साथ में जाता हूँ प्रगट सिंह के, अपनी गाड़ी लेके, तो जब रास्ते में कोई भी जाते कार जाती है बराबर में कोई भी जाता है मतलब मेंबर जाते हैं तो हाथ करके रोकते हैं, रुको प्रगट सिंह को मिलना है। तो इतनी खुशी होती है कि मैं खुला नहीं समाता, मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास आज कहने के लिए शब्द नहीं है। जो मेरे भांजे को जो आज मुकाम मिला है ये सब बहन भाइयों की बदौलत है, सबका प्यार है, घर परिवार का प्यार है। सबसे आदमी कभी भी कामयाब होता है ना तो घर से कामयाब होता है, घर से, घर से जब उसको सपोर्ट मिलती है ना तब जाके आदमी धीरे धीरे, वो कहते हैं ना नीचे से सीढ़ी चढ़ते 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 ऊपर चढ़ते हैं, तो ये जो आज मकाम तक खड़े हैं प्रकट सिंह, वो नीचे जो सीढ़ी है सबसे पहली सीढ़ी वो घर से है, घर परिवार। तो मामा जी आप एक बताइए, जिस प्रकार से लोग अपने परिवारजनों को जब शमशान लेकर के जाते हैं आकर के हाथ धो लेते हैं, छूना भी मतलब उनको एक डर लगता है लास्ट टाइम में, और पीछे तो आपने एक समय देखा कि लोगों ने अपने को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद प्रकट सिंह गली हुई सड़ी हुई और आज भी हमने देखा कि किस प्रकार से उन लाशों को निकालते हैं, मन किस प्रकार का होता है, क्या क्या है इस खून के अंदर? सर मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि प्रकट सिंह कमाल है, जो आदमी अपने, यकीन मानिए मैंने खुद देखा है जब वहाँ खड़े होते हैं ना तो सका चाहे भाई की डेथ हो जाती है तो बाईपास में खड़ा होता है तो क्या करता है वो, एक मिनट ये कहता है, जब वो लाश को हाथ लगाने के लिए नहीं रुकता वो कहता है एक मिनट रुक जो मेरा फोन आ गया। अच्छा। तो वो फोन लेके चल देते हैं, तो जब उसको लपेट लेते हैं ना फिर कहते हैं लियो 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 कहाँ है पकड़ाओ। तो सर वो बहुत थोड़ा दुख होता है यार, ये प्रगट तो एक दूसरा है फिर भी सेवा कर रहे हैं यार, तुम्हारा तो अपना है, प्लीज कि आप अपने को संभाल कीजिए, तो आप पूरा अपने का ध्यान रखो, जो जो चला गया वो तो देखो किसी के बस का वापस नहीं आना, कम से कम उसकी मिट्टी तो ये प्रकट सिंह संभाल के देते हैं ना, तो उसको तुम भी संभालो। तो क्या एक संदेश सभी के नाम क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ जी, ऐसा ही सबसे पहली बात तो आत्महत्या ना करें, ठीक है जी, अगर किसी वजह से कोई होता है अपने परिवार से जो नहर के किनारे जितने भी लोग बसते हैं सबको तिरना आना चाहिए, कम से कम हम दूसरे की जिंदगी तो बचा दें। अब गर्मियां आएंगी लोग नहाने के लिए दारू पीते हैं, दारू पी के फिर नहाते हैं, एक डूबता है दूसरे दो को तरना नहीं आता तो एकदम शलाग लगा देते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि एक को तरना आता है या नहीं आता दूसरे शलाग मत लगाइए, ता जो वो तो चला गया लेकिन आप तो अपनी जिंदगी बचा लो, यही संदेश है। जो तैरना नहीं आता तो तैरना जरूर सीखें, तो अपना जो ये जीवन है अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, यही मेरी प्रार्थना है। देखो जी गुरु ग्रंथ साहब जी पे ने पाठ हो रहा है, आप प्रगट सिंह दे जी पिता जी संगत बैठी है तो प्रकट सिंह के पास पहुंचे हैं, उनके पशुओं के बारे में लोग पूछते हैं कि उनका धन क्या है, कहां से वो कमाते हैं, कहां से वो खर्चा निकालते हैं और किस प्रकार से लगातार निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो प्रकट सिंह लोगों को बताएं कि कहां से आपका खर्च चलता है।
ये सर आप इस डेयरी में खड़े, ये मेरे पशुओं की डेयरी है, तकरीबन 12 से 14 डंगर हैं हमारे पास, और इन्हीं के साथ अपना गुजर बसर, अपना दूध का डेयरी का, जैसे फल हो गया कि कट्टे बच्चे उनको बेचना, अच्छी गायें रखी हुई हैं, तो दूध का व्यवसाय से अपना परिवार और अपना जो टीम का जो अपनी सेवा का रोजगार है वो चला रहे हैं। खेतीबाड़ी का भी है? खेतीबाड़ी भी है सर। तो सारा का सारा जो अभी मतलब कुछ खेतीबाड़ी और कुछ पशुओं से? जी बिल्कुल। और निशुल्क सेवा? जी बिल्कुल बिल्कुल फ्री सेवा, और यहीं से अपना रोजगार, और इन्हीं को नहर पे जगाते जगाते इन्हीं से तैराकी सीखी, इन्हीं के साथ अपना परिवार भी चला रहे, और इन्हीं के हुनर से अपना जो सेवा वो भी निभा रहे। तो बताना चाहेंगे कि इन्हीं भैंसों से, हाँ इन्हीं के पूंछ पकड़ के प्रकट सिंह ने आज से 20-21 साल पहले तैरना सीखा था, और बताना चाहूँगा कि उसी तैरते तैरते वो आज बन गए हैं प्रकट सिंह से। प्रकट सिंह गोताखोर और लोगों की जो है जान बचाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बिल्कुल निशुल्क सेवा। तस्वीरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये है प्रकट सिंह का धन। जो लोग पूछते हैं कि प्रकट सिंह कहाँ से अपना खर्चा निकालते हैं, कुछ खेतीबाड़ी से और कुछ इस पशुधन से, ये डायरी है और दूध का ये काम करते हैं। तो बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा, और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्रकट सिंह के घर पहुंचे थे, अब उनसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे। और भाई बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पहुंच के, परिवार से मिलके, मतलब मन को इतनी खुशी हुई है। जिस प्रकार से हम गुरु घर में माथा टेकते ना, आज ये समझोगे आपके घर आकर के हमने ये महसूस किया है कि हम गुरु घर पहुंचे हैं। तो आप सभी को क्या संदेश देंगे? हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी सेवाओं के साथ जुड़ते रहें, और आगे जो भी जैसे भी किसी परिवार को आवश्यकता है, हमारे जो नंबर है 97-293-3991, 97-293-74-991 पर आप सभी जुड़कर हमारी सेवाएं बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे? यूट्यूब चैनल है गोताखोर प्रगट सिंह, और फेसबुक चैनल है गोताखोर प्रगट संधु, आप सभी उस पर भी जुड़ सकते हैं। जितने भाई देख रहे हैं YouTube और Facebook चैनल है भाई के गोताखोर प्रकट सिंह, उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस इंसान के बारे में एक रहस्य है कि के कौन है, कहां रहता है, किस प्रकार से निशुल्क काम करता है। तो आप सब कुछ जो है उनके ऊपर जान सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।